हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोग खुशखबरी दें थी जिस माया मैं आया हूँ। मेरे भाई में तो आप जानते हो भी नाक सीधी करवा दूँ और फिर धीरे धीरे सीधी है जाएगी। साहब जी भी इतनी तो है गई, आगे और सीधी है जाएगी। बात दरअसल ये है, हमने मन में एक बात ठानी, जैन सिंह के पोते जैन सिंह चौधरी, मतलब जैन सिंह चौधरी के बेटे अजीत सिंह चौधरी और अजीत सिंह के बेटे जैन सिंह चौधरी, इनके साथ हम जो है गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, इस समय मेरे कुत्ते हुए पड़े फेल, मुझे हर कोई मोदी सपोर्टर अपना दुश्मन लग रहा है, समझ रहे हैं आप? अब पीछे भगवा किन्ने टांग दो जे हटाओ। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, जहां की भी चीज है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो डिसीजन लिया है, नेताजी की तो मैं वैसे ही नहीं सुनता था, अब तो वैसे ही नहीं सुनता क्योंकि डैड हो गए हमारे बुजुर्ग, उनको तो हमने उसमें कौन सा होता है वो जिसमें बड़े लोग अपनी बातें नहीं करते हैं कि हाँ भाई ये कर लो, निर्णायक मंडल उसमें हमने रखा हुआ है। और अब हमने जो कही है वो यही है कि हमें जीतने से कोई मतलब नहीं है, जीत के भी हम क्या उखाड़ लेंगे, वही करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं। भाई एक बार बताओ, आपके पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं, 150 करोड़ हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे, वो तो हमने कमाने ही कमाने हैं। आप देखिए, बात जहां पे आती है कि हमें जीतने से मतलब नहीं है, हमें योगी और मोदी की हार से मतलब है सर। अब वो हार तभी होगी जब गठबंधन पे गठबंधन होगा, और जय गठबंधन तभी संभव है जब आप लोग आशीर्वाद हो। तुम चलो हटो, आपको लगाओ मैं फेस भी थोड़ा अलग लग रहा है और मच्छरों के बीच में कहां मैं आ गया। भाई साहब बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आ जाती है गद्दियां, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मैं बेल रहा हूं और मैं बेलूंगा क्योंकि मुझे किसी को हराना है। योगी जी तैयार रहिए क्योंकि पट्टा अब तैयार हो गया है और जयंत भी हमारे साथ हो गया है। जितने लोग हैं मैं सबके साथ गठबंधन कर लूंगा, लेकिन अब मैं तुमको नहीं आन दूंगा, ये बात रही। ये अखिलेश क्या नाम है मेरा इंग्लिश में, अखिलेश यादव का तुमसे वादा है, वादे हम तोड़ते नहीं, तुम्हें पता है। तो अब चाहे कितने घोड़े दौड़ा लो, चाहे कितना कचू कर लो, आएगी तो सपा जो करके रहेगी सबका सफा। कौन सी है वो राष्ट्रीय लोकदल RLD प्लस सपा होगा सबका सफा। चिंता मत नहीं करो आप, कसम टोंटी की अब के एक एक के ऐसे टोंटियां खोलूंगा कि याद रह जाएगी साहब के किसकी टोंटी किसके सर, किसकी टोंटी किसके सर। और जब ये यंग डूड कुछ का दिखाएगा ना, तब आपके समझ में आएगी कि यार हमने तो यार अखिलेश को हल्के में रख लिया, हमने सोचा ये भी पप्पू जैसा ही है। ये पप्पू ना है, पप्पू के डैडी के पापा का डैडी का पापा है, समझ में आ रही ना आपके? थोड़ी मेहनत और कर ली ना मैंने, अगर 2-4 जगह से और गठबंधन हैगा तो फिर देखना कैसे तुम भागते डोलते हो। बिस्मिल्लाह, थैंक यू।